हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू बी डूइंग ग्रेट। अच्छा, मैं इस तरह से बात करती हूँ अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मजे की रेसिपी शेयर करूंगी और वो है क्रीमी स्पेगेटी। और अदुल्ला मुझे बिल्कुल कंपनी नहीं दे रहा किचन में, तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्पेगेटी पानी में डाल दी है बॉयल होने के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था और ऑयल ऐड किया था। आप देखते हैं कि ये गली है या नहीं। मजेदार। मैं आप क्या कर रही हो, इंस्पेक्शन करिए ड्रॉयर की कि इसमें सारी चीजें मुकम्मल हैं या नहीं है। ये देखें कौन आई सेलिब्रिटी आई किचन में हमारी हेल्प करवाने के लिए। लुक हु इज इन द हाउस। ने इंट्रो सही किया या नहीं किया? इंट्रो सही किया मैंने। मुझे बताना किसने इंट्रो सही किया या नहीं किया। सही किया? नहीं सही किया, दोबारा करते हैं। हेलो जी। ओहो, ये तो मैं सब बन गई। हाय गाइस। तुम इतना ऊंचा नहीं बोलती, आराम से बोलती। मैं आराम से बोलती हूँ। कानों में आगे घुसर घुसर करो। मैं इतना ऐसा बोलती हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को आती है ना, तो मुझे कहते हैं बहुत ऐसा बोलती हूँ। जॉन पसीना, कितना पसीना आया हुआ तुझे यार। ये मेहनत कष्ट लोगों का पसीना है, समझ आई? पसीना बहा के तुम लोग स्पेगेटीज बना रही हूँ। नाम बना। नाम बना। हजार बार मना किया कि ये जो प्याज है ना, इनको जब करती हूँ घर से बाहर जाके किया करो। आंखों के अंदर वो सारा का सारा शोरबा आ गया आंखों में। ये जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे ना खाने में, तुम कहोगे यार ये तुमने क्या बनाया, इनसे खाया नहीं जा रहा। अगर खाना ना अच्छा बना, और अगर अच्छा बना तो चल अच्छा बना, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग पूरा तो खुद कवर करी। जी नहीं, इसको भी हम हल्का कुछ। यार ये क्या तुमने स्पाइसेस डाले, नसों के अंदर घुस गए सारे स्पाइसेस। आशा जी, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। मेरी बहन चाहती है कि मैं पंजाबी ना बोलूं, तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ आज। ठीक हो गया? किसने कहा कि ये इंग्लिश है? इंग्लिश नहीं, लेकिन इंग्लिश स्टाइल है। जैसे तुम बोलती हो, तुम्हारे दोस्त बोलते हैं वैसे ही है। तुम सब वैसे ही बोलते हो। पैसे पूरे हो गए, आज मजा आ गया। ये लेस तो खा लो। तो यार सीन ये है कि मौसम जो है आज वो बहुत ही हैवी किस्म का हुआ है। अभी प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं किसी जगह पे खेलने के लिए। लास्ट वीक की तरह कजन जो है वो दोबारा वापस आए हुए हैं। मैं फ्राइडे वाले दिन जिम से सीधा यहाँ पे आ गया था, लेकिन आरफा को घर पे कुछ काम थे, इसलिए आरफा जो है वो नहीं आ सकी और मेरे कपड़े जो है वो नहीं आए। तो मैं इसी हुलिये में इन्हीं कपड़ों के अंदर आज जाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि वो लोग आने देंगे। पहना मैंने कच्चा हुआ। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि मैं नादरा गया हूँ और मुझे आदत है कि मैं कच्चे में रहता हूँ। नादरा वालों ने मुझे कोई 3 दफा वहां से निकाला, उन्होंने भेजा है वापस। गजब बेइज्जती है। तुमने कहा भाई पूरी पैंट पहन के आओ, फिर तुम्हें अंदर आने देंगे, वरना नहीं आने देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है वो कुछ जलालत होने को नहीं मिलेगी। अगर हुई तो फिर पूरी बारात तैयार हो गई है जाने के लिए भाई। आज का ब्लॉग मैं करूंगी, और वो इसलिए क्योंकि मेरा ब्लॉग कब का बना हुआ और सादर इंडिया की पोस्ट नहीं कर रहा। अब मेरा दिल कर रहा कि मैं भी कैमरा पकड़ूं और वो ली फील लूं। मैं आपको एक चीज एक डेयर दे रही हूं। आप इसके ऊपर बैठे, अगर आप बैठ गए मैं आपको जहां बोलोगे लाहौर में जी जी बस बैठने, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने, वो आपको गिराएगा और आपने गिरना नहीं। मैं जिस पे बैठा था ना वो सॉफ्ट था, ये तो लकड़ी का काम खराब हो जाएगा। जीतता है तो जीतता है, तो कर सकता है, तो कर सकता है। चल 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 आ जाओ। नहीं जी, ये रूप के फैन मिल गए हमें। बड़े लोग बड़ी बातें, हमें कौन पूछता है भाई, बुलाता है कोई नहीं है, ना कोई पहचानता है ना कोई जान है। सारे मुझे खिला क्यों रहे आज, मैं पतला लग रहा हूँ क्या? ले जी, हमारा जो पुल है वो तैयार हो चुका है अब्दुल्ला को गिराने के लिए। अब देखते हैं कि अब्दुल्ला इस पे कहाँ तक पहुँचता है। ये बात अब्दुल्ला तुम बैठने से पहले गिर गए हो यार। सस्ता वाला तुम्हें बताता है वो, बैठते साथ बदतमीजी कर दी तुमने भूल के साथ, बताता है तुम्हें वो। खैर जाओ। मैं कहने लगी थी आवाज तेज करो। ओह शिट अब्दुल्ला मिस हो गया यार। ये पता है तुम तो शेर हो। मैं आज एक ऐसा काम करने वाली हूँ जो आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा। देखना चाहते हैं? देखा। देखना चाहते हैं? कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख। अब आप देखें। देखा। बैठना था। भाई पावर टेस्ट होने का टाइम आ गया है। मारो मारो। चलो 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 चलो। चलो बटन दबा।
दबा दबा बोला बटन दबाना तुमने। रुको जरा सबर करो। चूज किया है सी वाला। कोई एक भी पकड़ लो, एक भी नहीं पकड़ी जा रही तुमसे, सारी जाया हो गई है। गेम ऐसे खेल रही है जैसे बटावे नहीं खेलते थे, पक्के प्लेयर जो होते थे। अच्छा हटो हटो, वो देखो वो गेम खेल रहा है। आलसी कैसे पड़ा हुआ। इतना इजी। नूर नूर कैमरा में देखो, बर्फ पड़ने वाली, भीख मांगो। वही ग्लासेस टूट गई है। हम ही नूर को जानते हैं। कौन है? कौन है यार? कौन है? चले यार। एनक कहाँ गई है? टूट गई है यार, कसम से मेरी थोड़ी। एक घंटा हो गया, ये अभी भी उधर बैठी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस है। ये चेक कर लो भाई, हम लोग ऐसे नहीं जाते घर। सारा मॉल बंद करवा के हम लोग फिर जाते हैं सबसे एंड पे। अब भूख लग गई है तो खाना खाने के लिए हम निकलने लगे। भूख ज्यादा लग गई है, बहुत बहुत भाई। भटकड़ा खाएंगे मक्खन डाल के देसी। ओह माय गॉड, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है वो खाली करवा दिया और यहाँ पे टेबल पे हम लोग बैठ गए। ये सारा प्यार जो है ये मिला है जी बट कढ़ाई की तरफ। वो आप लोगों ने कहावत सुनी है, जिन्हें लोहर नहीं देखे और जमया नहीं, उस तरह से एक कहावत ये भी है, उसने बट कढ़ाई नहीं खाई, उसने कुछ नहीं खाया। बट कढ़ाई प्रमोशन हो गई है, बट पैसे दे दिए। रात के 3 बज गए हैं और तुम लोग देख सकते हो ना बंदा है ना बंदे की जात है। 3 बजे तक खड़े हो गए कर रहे हैं, गेम्स खेल खेल के थके नहीं है, खाना खाया, वापस घर आए और अब दोबारा हम गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। नमाज पढ़ने लगे। फजर का वक्त हो गया, आप भी पढ़ो, मुसलमान के बच्चे हो, इंसानों की तरह रहो घर में। सुबह के 4 बज गए और हम बाहर जाके अभी रोहा डालने लगे। Oh.